नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश समेत देश के चार अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में यूपी में काफी गहमागहमी रही। आरोपों का दौर चला। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष ने एक दूसरे पर कई सारे आरोप लगाकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। भाजपा हो या सपा, दोनों ही दल इस बार अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। 10 मार्च को इन सभी दावों पर विराम लगेगा, जब सुबह से ही मतगणना की शुरुआत होगी। न्यूज चैनल अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल के जरिए दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे। और योगी दोबारा सीएम बनते हैं तो प्रदेश के कौन कौन से मिथक को वो तोड़ने का काम करेंगे, आज इसी पर हम बात करेंगे। अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते योगी। नोएडा से लेकर आगरा तक पहुंचे योगी। सिटिंग सीएम के मन में हमेशा से रहा खौफ। नोएडा जाकर नहीं लौटा कोई सत्ता में। नोएडा से लेकर आगरा तक कई ऐसे मिथक रहे हैं जिन्हें तोड़ने से पिछले के मुख्यमंत्री कतराते रहे हैं। सीएम योगी को अपने 5 साल के कार्यकाल में ना तो नोएडा जाने का डर रहा और ना ही गेस्ट हाउस में रुकने का। इसके साथ ही एक और अंधविश्वास है जिसे तोड़ने का सीएम योगी दम भर रहे हैं, वो ये कि यूपी में पिछले 36 साल में कोई भी पार्टी दोबारा सरकार बनाने में सफल नहीं रही है। नोएडा को लेकर सिटिंग मुख्यमंत्रियों में खौफ रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। ये एक मिथक ही है जिसके कारण नोएडा को सीएम की कुर्सी के लिए मनहूस तक माना जाने लगा है। जून 1988 में नोएडा से लौटने के कुछ दिनों बाद तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह को पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद एनडी तिवारी 1979 में सीएम पद से हटे, फिर मायावती 1997 में सत्ता गंवाए और कल्याण सिंह 1999 में नोएडा का दौरा करने के बाद सीएम की कुर्सी से दूर हो गए। इसके बाद तो प्रदेश में योगी को छोड़कर जितने भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने नोएडा से किनारा ही कर लिया। सीएम रहते हुए कोई नहीं पहुंचता था नोएडा। इस बार टूटेगा क्या ये अंधविश्वास? बीजेपी का सीएम 5 साल तक नहीं पूरा कर पाया कार्यकाल। सत्ता में आने पर कांग्रेस ने हमेशा बदला सीएम चेहरा। नोएडा जाने के अलावा प्रदेश में सत्ता में वापसी करने के लिए कई और मिथक भी हैं जिन्हें सीएम योगी इस बार तोड़ सकते हैं। अगर वो दोबारा सीएम बनते हैं तो एक ऐसा ही अंधविश्वास आगरा के सर्किट हाउस को लेकर है। यहाँ पिछले 16 सालों से कोई भी सीएम नहीं ठहरा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह जब आगरा के सर्किट हाउस में ठहरे तो कुछ समय बाद उनकी सीएम की कुर्सी चली गई। आगरा सर्किट हाउस को लेकर मुख्यमंत्रियों में इतना खौफ रहा कि मुलायम सिंह यादव, मायावती और यहाँ तक अखिलेश यादव इसमें ठहरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि सीएम योगी ने इस एक मिथक को तोड़ा है। सीएम योगी कई मौकों पर कह चुके कि वो अंधविश्वासों में यकीन नहीं करते हैं। यही वजह रही कि वो नोएडा का दौरा करते रहे और आगरा के सर्किट हाउस में भी रुके। योगी से पहले बीजेपी का कोई भी सीएम प्रदेश में 3 साल से ज्यादा समय तक सीएम पद पर नहीं बना रहा। कल्याण सिंह ने 2 बार और रामप्रकाश गुप्ता व राजनाथ सिंह ने एक एक बार प्रदेश की कमान संभाली। हालांकि इनमें से कोई भी लगातार 3 साल से ज्यादा सीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं रहा। 1950 से 1967 तक कांग्रेस ने हर बार बदला मुख्यमंत्री चेहरा। क्या तोड़ पाएंगे योगी इस बार ये सारे अंधविश्वास? यूपी की राजनीति में एक रोचक पहलू ये भी है कि किसी पार्टी की सत्ता रिपीट हुई तो उसने अपने पिछले सीएम को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी। 1950 से 1967 तक राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इसी बीच गोविंद वल्लभ पंत से शुरू हुई कुर्सी की कहानी
चंद्रभानु गुप्ता तक पहुंचते पहुंचते बीच में पार्टी ने 3 CM और बदले, यानी 1950 से 1967 तक कांग्रेस की सरकार तो रही लेकिन हर बार मुख्यमंत्री बदलते रहे। फिलहाल प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है इसकी तस्वीर कल दोपहर तक साफ हो जाएगी। पार्टियों की ओर से सरकार बनाने का भले ही लाख दावा किया जाए लेकिन जनता अब काफी समझदार हो चुकी है। उन्होंने इस बार प्रत्याशी का चेहरा नहीं बल्कि उनके कामों को देखते हुए 7 चरणों के चुनाव में ईवीएम में उनकी किस्मत को कैद कर दिया है। अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा CM बनते हैं तो जाहिर है वो पिछले सारे मिथकों को तोड़ने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत न्यूज़।